जय श्याराम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके नवरात्रि में सभी भाई बहन, बच्चे, बड़े अलग अलग प्रकार से अनुष्ठान, व्रत, नियम का पालन करते हैं। उसमें जो सबसे अधिक देखा गया है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रयत्न करता है। कुछ लोग केवल कवच कीलक अर्गला कर लेते हैं, कुछ लोग नवान मंत्र का जाप कर लेते हैं, और कुछ लोग बंधुजन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो मेरे भाई बहन, संस्कृत पाठ का ही श्री दुर्गा सप्तशती में करने का विशेष फल है। सामान्य फल तो निश्चित ही मिलेगा माता की सेवा से, लेकिन अगर विशेष फल चाहिए, जिस फल का वर्णन किया गया है सप्तशती के अंदर में, तो संस्कृत पाठ का ही महत्व है। तो अगर आपको आता है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं आता है तो सबसे सरल नवार्ण मंत्र जप है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास अधिक समय नहीं है, आप 3 माला केवल जप कर सकते हैं, तो भी 10 मिनट के अंदर, आप नए हैं तो भी आराम से कर सकते हैं। उसकी पूरी विधि जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अथवा आप टाइप करेंगे नवान मंत्र जप विधि बाय बीवाई बाय हिंदी रिचुअल्स, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय माता रानी का बहुत प्रिय अध्याय है, वो भी हमने रिकॉर्ड करके रखा है। आप चाहेंगे तो लगा करके सामने पुस्तक रख करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बंधु जो है केवल कवच का पाठ करते हैं, अथवा कीलक का करते हैं, अथवा अर्गला का करते हैं, अथवा तीनों का करते हैं, तो ये बहुत ही कल्याणकारी है। फिर ये होता है कि माता रानी किससे ज्यादा प्रसन्न होंगी, तो हर पाठ के बाद में उसकी फल स्तुति दी रहती है कि इस पाठ से हमको क्या फल मिलेगा। जैसे श्री हनुमान चालीसा में है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते, मतलब संकट ते हनुमान छुड़ावे, जो मन क्रम वचन से करेगा। उसी प्रकार से आप जो देवी माता का कवच है उसमें भी पूरा है कि ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा, इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य, मतलब आप उनके सामने आ जाएंगे जो पाठ करते हैं, पाठ का धारण करते हैं, उस शरीर में पाठ कवच रूप विराजमान है, तो वो जो है भाग जाते हैं, कोई वहां रुकता ही नहीं है। उसकी यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है भूतले, लेकिन इसका जो पूरा फल मिलेगा, जपेत सप्तशतीम चंडीम कृत्वा तु कवचम पूरा, जो सप्तशती पाठ के साथ में कवच करता है, मतलब कवच किया फिर सप्तशती किया, उसी को पूरा लाभ सम्यक्तया मिलता है, वही जो है। लेकिन सामान्य लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन मेरे भाई बहन तभी प्राप्त होगा जब हम शुद्धता से करेंगे। इसी प्रकार से कीलक में है, कीलक की फलस्तुति है कि हर प्रकार से विघ्नों को दूर करने वाला है, लेकिन वो जैसे कि आप लोगों ने च्यवनप्राश सुना होगा, स्वर्ण भस्म सुना होगा, अथवा अन्य बहुत सारी औषधियां सुना होगा, तो आयुर्वेदिक जितनी औषधियां हैं वो लगभग औषधियां दूध के साथ ली जाती हैं, कुछ औषधियां छाछ के साथ ली जाती हैं, कुछ औषधियां शहद के साथ ली जाती हैं, तब उनका पूरा प्रभाव हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम कवच कीलक अर्गला पूरे सप्तशती के साथ में करते हैं, तब हमें उसका सम्यक्तया लाभ मिलता है, नहीं सामान्य फल तो हमको मिलेगा ही। उसमें भी अगर हम 108 मान लिया कवच का पाठ कर लिए, बहुत भूत प्रेत जो भी इसका फल दिया हुआ है, चाहे अंतरिक्ष से है, खेचरा चेव जल जो, चाहे हर प्रकार जल का, जल में भय लगता है, अथवा तो मिर्गी त्या जाती है, डाकनी शाकनी का है, भूत प्रेत है, या कोई यक्ष गंधर्व परेशान कर रहे हैं, तो हर प्रकार के जो है ये मानसिक विकार है, राजा से विकार है, हर प्रकार के संकट से बचाता है। लेकिन हम जब कलयुग में 4 गुना होना चाहिए, तो कम से कम 108 पाठ पहले करें, नहीं हुआ तो फिर 1008 पाठ करें, अगर हमको केवल कवच ही करना है तो। इस प्रकार से उत्तम है कि हम सप्तशती के साथ में करें। हाँ, इसमें एक पाठ अलग है जो है देवी अथर्वशीर्ष पाठ है,
उसकी फलश्रुति अलग है, वो इंडिविजुअल में ही बहुत कुछ है। वैसा हम कर सकते हैं, नवान मंत्र जाप है वो केवल उतना करने से भी हमको लाभ हो जाएगा। अब हम सप्तशती की बात करते हैं। आज एक जगह मैं गया था तो वहां देखा तो मेरे मन में आया कि वो बात आपके आगे रखनी चाहिए कि उसमें एक विधान उस बच्ची ने बताया, उसका विवाह कराया था मैंने, कि गुरुजी इसमें लिखा हुआ है कि पहले दिन प्रथम अध्याय पाठ कीजिए और साथ में 13वें अध्याय का पाठ कीजिए, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ कीजिए साथ में 12वें अध्याय का पाठ कीजिए, तीसरे दिन तीसरे अध्याय का पाठ कीजिए साथ में 11वें अध्याय का पाठ कीजिए, इस प्रकार से पाठ करना है। तो मैंने समझाया कि बच्चा ऐसा नहीं होता है, ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे आप मंजन कर रहे हैं तो मंजन के बाद स्नान होता है, फिर पूजन होता है, फिर भोजन होता है, फिर कपड़ा इत्यादि पहनना होता है। तो परदला आपने मंजन किया, फिर जाकर के मुंह पोछ लिया, फिर एक रोटी खा लिया, फिर वापस आकर के फिर आपने स्नान की तैयारी की। तो ऐसा नहीं होता है। कई वीडियो में मैंने अर्पण किया है, श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है उसका तीन प्रकार है। जो उत्तम प्रकार यही है कि प्रारंभ से लेकर के 13 अध्याय तक और 3 रहस्य पहले के और 3 बाद के साथ में किया जाए। दूसरा यह है भैया कि शुरुआत के 3 रहस्य करके नवान मंत्र का जाप करके और हम प्रथम दिन जो है प्रथम अध्याय मतलब प्रथम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन जो है हम मध्यम चरित्र का यानी कि 2रा अध्याय 3रा अध्याय और 4थे अध्याय का पाठ करें, फिर 3रे दिन जो है पुनः कवच कीलक अर्गला इत्यादि नवान मंत्र जप करके फिर हम 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक करें, अथवा पहले दिन हमने कवच कीलक अर्गला नवान मंत्र का जाप किया, प्रथम चरित्र का पाठ किया, प्रथम अध्याय किया, दूसरे दिन वो नहीं भी कर पाए तो भी सामान्य न्यास करके 2रा 3रा 4था अध्याय का पाठ किया और 3रे दिन 5वें से लेकर के 13वें अध्याय का पाठ करने के बाद में उत्तरार्ध जो कार्य है वो हमने संपन्न किया। अथवा जो 3रा प्रकार यही है कि हमने पहले दिन कवच कीलक अर्गला किया, नवान मंत्र का जाप किया और उसके बाद में प्रथम अध्याय का पाठ किया, तो ऐसे करके हमें 9 दिनों के अंदर में सप्तशती को पूर्ण कर लेना है। जैसा कि प्रथम अध्याय, 2रा अध्याय, 5वां अध्याय, 8वां अध्याय इत्यादि सब बड़े बड़े अध्याय हैं, 6वां 7वां सब छोटा अध्याय है, 3रा 4था भी बहुत सरल है, 5वां भी बड़ा है लेकिन काफी सरल है। तो इस प्रकार से जो बड़े अध्याय उनको एक किया, बाकी 2-3 अध्याय करके ऐसा करते चले कि हमारा 9वें दिन तक पूर्ण हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। पर मेरे भाई बहन करना वही चाहिए जो हम अच्छे से सीख लें, जान लें, कर लें, उसी में हमारा लाभ हो जाएगा। अगर आप सोने का व्यापार करना जानते हैं तो ही सोने का व्यापार कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाट पकौड़ी में ही 2000 रुपया रोज कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। जो भी काम करके कमा रहे हैं वही आपके लिए हितकर है। इसी प्रकार से जो पाठ आप अच्छे से शुद्धता से कर पाएंगे उसी का पूर्ण लाभ मिलेगा और भक्ति का लाभ तो हमें निश्चित मिलता है मेरे भाई बहन, जो अपार होता है। लेकिन चूंकि ये नवरात्रि है, ये शक्ति प्राप्त करने का समय है, हमारी सिद्धियों को रिचार्ज करने का समय है, तो इसमें हम जानबूझ के समझ के करेंगे तो हमें समक्तया लाभ मिलेगा। जो भी मन में प्रश्न है कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम, माता रानी की कृपा बरसती रहे।